हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था मैंने एक्सरसाइज 2.1 ये जो है स्टार्ट कर दिया था एओडी का। इसके पहले हमने सिनॉप्सिस भी देखा था। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पार्ट वन वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखें ताकि आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इसके अंदर 2.1 के अंदर स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर सब क्वेश्चन थे बहुत सारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम लोग कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ आपसे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद लगभग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन जो है टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर बेस्ड हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको याद होने चाहिए। क्या बातें? कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का स्लोप सेम होता है। इफ़ इट्स स्लोप इज M1 M2 देन बोथ विल बी सेम स्लोप्स। समझो इसका स्लोप 2 है तो इसका भी स्लोप 2 होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो। याद रखो, कोई भी दो लाइन स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप सेम होते हैं। दूसरा, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप समझो 3/2 है और इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी नॉर्मल, तो इसका स्लोप 3/2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 3/2 का उल्टा 2/3 और निगेटिव, बिकॉज इन दोनों स्लोप जैसे ये M1 है ये M2 है, सो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 आता है इसके लिए। तो ये दो चीज़ें याद रखो कि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है इस तरह से प्रोडक्ट -1 होता है। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √(x-3) वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स है। दिया क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू √(x-3) मीन्स वी हैव अ कर्व लाइक दिस एंड इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको पता लगाने हैं। ओके, एंड जो कर्व है, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू √(x-3), इस कर्व का ये इक्वेशन दिया है, वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। इसका जो टेंजेंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, ओके, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो टेंजेंट है ये किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है दूसरी, दैट इज 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन है, इस लाइन को ये टेंजेंट जाके परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आपको रफ में फिगर समझना बहुत ही जरूरी है, डायग्राम कि किस तरह से क्या हो सकता है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन लिए आप ऊपर कहीं भी दिखा सकते हो कि परपेंडिकुलर है। ये खुद के लिए है, एग्जाम में ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक ये समझोगे नहीं तो आप करोगे कैसे, पहली बात। तो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो एट दैट टाइम इसका स्लोप मालूम होना चाहिए। ओके, इसका स्लोप नहीं मालूम है बट ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इसका स्लोप निकाल दिया परपेंडिकुलर लाइन का, तो ये परपेंडिकुलर लाइन, दोनों के स्लोप कैसे होते पता है ना, M1 × M2 = -1। तो अगर इसका स्लोप आ गया तो इसका भी स्लोप आ जाएगा। अगर समझो इसका स्लोप आया -2 आया, या चलो -2 आया तो अपॉन नहीं है तो 1 है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 2/1 है तो 1/2 और माइनस है तो -± +। अब इसका स्लोप आ गया, लेकिन ये पॉइंट तो मालूम होना चाहिए था, तो ही तो आप लाइन का इक्वेशन लगाते थे। तो ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने अगर सब किया है तो ये थोड़ा सा ईजी लगेगा। सबसे पहले ये जो लाइन है वो ले लो, सॉल्यूशन में लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट इज दैट 6x + 3y - 5 = 0। ये एक लाइन है, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू, देखो किसी भी लाइन का स्लोप, समझो यहाँ पर मैं M1 लेता हूँ, स्लोप M1 इज इक्वल टू, कोई भी लाइन है AX + BY + C इज इक्वल टू 0। एकदम ध्यान से देखना, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे लेते हैं, स्लोप स्ट्रेट लाइन का, ये समझो ये -A/B ऐसे करके आप स्लोप निकालते हो। तो यहाँ पर ये जो A है और ये B है, -A/B करोगे तो स्लोप आ जाएगा। इस फॉर्मूले को याद करके रखो, ठीक है, ये हर बार काम आएगा। तो अब यहाँ से स्लोप कैसे आएगा, देखो A यानी क्या होता है, जो X के साथ होता है, X के साथ होता है A, Y के साथ होता है B, सो स्लोप कैसे आएगा, -A/B, -A मीन्स 6
बी मीन्स थ्री, सो थ्री टू ज़ा सिक्स, सो हमारा स्लोप क्या आ गया माइनस टू, ठीक है। सो इस तरह से आप हर बार जो है स्लोप फाइंड आउट करोगे। ये स्लोप किसका आया, इस लाइन का आया माइनस टू, ओके ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो टेंजेंट है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पूरा लिखना, ओके। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे करोगे, सो माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ दिस यानी एम वन आ जाएगा, देखो माइनस वन अपॉन एम वन कितना था माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया एम टू, एम टेंजेंट का स्लोप एम टू लेते दैट इज वन अपॉन टू, तो टेंजेंट का स्लोप आ चुका है। मेन तो हमें इसका टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, मैंने पहले ही बता दिया था इक्वेशन देखते हैं, लेकिन अभी हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व है इसके ऊपर ये पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो कोई भी कर्व है उसके ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप कैसे आता है, उस कर्व को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो। सो आप पहले लिखो इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो दिया हुआ कर्व है उसका इक्वेशन क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस थ्री। अब इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है इसका स्लोप कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, और एक्स के बदले जो भी था उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई, तो इसका एक्स माइनस थ्री का अगेन डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस थ्री तो ज़ीरो हो जाएगा। सो क्या जो डेरिवेटिव आया है ये इस स्लोप को इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एम टू इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव आप ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम टू, ये जो डेरिवेटिव है ये स्लोप को इक्वल होगा, ओके सिंस डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप। सो क्या है यहाँ पर करते हैं हम लोग, जो ये डेरिवेटिव की वैल्यू है और ये एम टू सेम लिख दो, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू टाइम्स रूट एक्स माइनस थ्री इंटू वन तो हट गया, और स्लोप क्या आया था वन बाई टू। अब सॉल्व करोगे सो टू से टू कैंसिल हो गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी रूट एक्स माइनस थ्री इंटू वन, रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन स्क्वायर इज वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वहाँ गया तो वन प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू फोर, तो आपको एक्स की वैल्यू फोर मिल गई। अब ये जो एक्स की वैल्यू फोर है ये कहीं भी रख दो, समझो इस कर्व के अंदर ही रख देते, ओके पुट एक्स इज इक्वल टू फोर इन y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स क्या है फोर माइनस थ्री, y इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री यानी रूट वन और y इज इक्वल टू वन। सो आपको पॉइंट में क्या मिल गया, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r क्या है, पहला x फोर फिर y। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व हुआ, बहुत ही आसान है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि जो टेंजेंट परपेंडिकुलर दिया है या पैरेलल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है तो उसका स्लोप क्या आएगा माइनस वन अपॉन दूसरे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, ओके रेसिप्रोकल करना है माइनस करना है, और अगर पैरेलल दिया है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू किए इसी बेसिस पर क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सब है, तो अभी अगर आपको ये अच्छे से समझा है तो वो भी आएगा, नहीं समझा तो रिपीट करके इसको देखो, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वेयर द टेंजेंट्स आर, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, टेंजेंट्स आर दिया हुआ है, इंग्लिश आती होगी आपको अच्छे से, टेंजेंट्स आर मतलब प्लूरल फॉर्म दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ टेंजेंट था, टेंजेंट्स नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट्स आर यानी एक से ज़्यादा टेंजेंट है, ओके प्लूरल है, पैरेलल टू दिस यानी ये एक लाइन है, इस लाइन को पैरेलल टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब क्या समझो कि मैं कोई एक इस तरह से एक कर्व बनाता हूँ, ओके तो इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट है और एक दूसरा टेंजेंट भी है, इस तरह से अलग अलग एक से ज़्यादा दो टेंजेंट भी हो सकते हैं किसी कर्व के ऊपर, ओके ये जो कर्व है इसका इक्वेशन ये दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस कर्व के ऊपर ये जो टेंजेंट है द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, ये दोनों टेंजेंट है वो किसी थर्ड लाइन को पैरेलल है, इस तरह से लाइन क्या है थ्री एक्स माइनस
वाई, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस लाइन को ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, मतलब आपस में भी पैरेलल है और तीसरी लाइन को पैरेलल है। तो हम लोगों को इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अभी सिखाया था। इसका देखो शॉर्ट में कर दे, अगर इसका मुझे स्लोप निकालना है तो क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी माइनस थ्री अपॉन माइनस वन यानी थ्री आएगा। सो ये पैरेलल लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, इसका भी स्लोप थ्री, इसका भी स्लोप थ्री, स्लोप आ गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये, दो अलग अलग पॉइंट मिलने वाले हैं हमको दोनों टेंजेंट के लिए। वो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो स्लोप आया दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व, ये जो कर्व है वाई, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो उसको इक्वल थ्री होगा, बस इतना ही करना। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन या तो पैरेलल लाइन इज क्या दिया है, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो स्लोप एम वन इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, सो माइनस ए, देखो ये ए होता है और ये बी होता है, ए क्या है थ्री अपॉन बी, बी वाई के साथ क्या है माइनस वन है, माइनस को मत भूलना, दैट इज थ्री अपॉन वन इज थ्री। सो एम वन क्या आ गया आपका थ्री, एम वन यानी क्या था, इस लाइन का स्लोप, ये लिख के दिखा रहा, डायरेक्ट देख के पता चलता है स्लोप क्या है। अब स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट इसको पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, दोनों आपस में एक दूसरे को पैरेलल है। स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, सो डायग्राम में देखो ये जो टेंजेंट्स है वो इस लाइन को पैरेलल है और पैरेलल स्लोप सेम होते हैं, तो जो m2 है यानी इनके जो स्लोप्स है वो इसको सेम होगा m1 को, m2 इज इक्वल टू 3। अगर परपेंडिकुलर होता तो याद है ना क्या करते हैं, माइनस वन अपॉन एम वन, वैसा करते परपेंडिकुलर होता था। तो अब ये जो टेंजेंट है उनका स्लोप आ गया। अब क्या करेंगे, ये कर्व का इक्वेशन ले लो, वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन कर्व क्या है देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, याद है ना डेरिवेटिव चैप्टर करते थे, y डेरिवेटिव इज dy वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर सो फोर एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो ये आपको डेरिवेटिव मिल गया। अब देखो ध्यान से देखना है, दैट डेरिवेटिव इज इक्वलेंट टू वॉट, स्लोप, जो डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ओके एम टू। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, एंड स्लोप क्या है थ्री, इस तरह से। अब थ्री को इस तरफ लाओ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर हो गया, ओके इज इक्वल टू जीरो। अब ये आ चुका है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको क्या करना है, आप सीधे इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स वैल्यू इस वाई के अंदर रखेंगे कर्व के इक्वेशन में, तो वाई आ जाएगा, बस हो गया, इतना ही करना है। बट यहाँ से एक्स कैसे निकालें, जनरली आप क्या करते हो, इस थ्री का मल्टीप्लाई फोर में करते हो, थ्री फोर जार ट्वेल्व, ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ट्वेल्व आए और प्लस माइनस करने पर फोर आए, तो क्या होता है, याद है आपको, सिक्स टू जार ट्वेल्व, सिक्स में से टू गया तो फोर, ओके तो ये माइनस है तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे फैक्टराइज करो, या तो फार्मूला मेथड से भी करोगे, ए बी सी करके करते हैं ना आप लोग तो भी चलेगा। तो चलो यहाँ से दो वैल्यू निकाल दें, थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स हट के माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स लिया एक्स माइनस टू प्लस टू कॉमन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू दो बार है, एक्स माइनस टू इंटू थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में यहाँ देखो, यहाँ कर दें एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू यहाँ है तो टू, और थ्री एक्स प्लस टू यहाँ है तो माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू वॉट माइनस टू अपॉन थ्री। सो आपने क्या किया, एक्स की दो वैल्यू अपने आप ही आ गई, ओके इसका मतलब क्या, हम अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, टेंजेंट्स आर लिखा है, एक से ज़्यादा टेंजेंट है तो भी चलेगा, अपने आप सॉल्यूशन आपको दो टेंजेंट निकाल के देगा, ओके ये आ गया एक्स। अब वाई कैसे निकालोगे, यहाँ से वी हैव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से ले लिया, कर्व के इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू। सो फॉर x इज इक्वल टू टू, जब x टू होगा तब y इज इक्वल टू टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर प्लस टू, टू क्यूब एट, टू स्क्वायर फोर टू ज़ा एट प्लस टू,
ओके सो वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 8 जीरो प्लस 2, सो एक वाई की वैल्यू 2y, जब x 2 है एट दैट टाइम y 2 है. ओके नाउ नेक्स्ट फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2y3, सो अगेन y इज इक्वल टू x की जगह माइनस 2y3 रखना, यहाँ माइनस है. ओके माइनस 2 x की जगह पर माइनस 2/3 रखना स्क्वायर, x की जगह पर माइनस 2/3 सॉल्व करो. माइनस क्यूब माइनस 2 क्यूब 8, 3 3 9 3 27, माइनस 2 इंटू माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2/3. सो y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 27 माइनस 2 4 8 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दें, यहीं पर देखो, देखो 27 9 3 तीनों के टेबल में 27 आता है, सो 27 को मैंने लिया एलसीएम. अब 27 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा 1 का, तो उस 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करना, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8, देन माइनस 9 का टेबल कितने बार पड़ोगे 27 आएगा 3 टाइम, 9 3 जा 27, तो उस 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना, 3 8 जा 24, इस तरह से प्लस 3 का टेबल कितने बार करोगे 27 आएगा, 3 9 जा 27, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में 9 2 जा 18. सो y कितना मिला देखो आपको, देखो 18 और माइनस 24 मिल के माइनस 6 आ गया, और माइनस 6 और माइनस 8 क्या हो गया माइनस 14 अपॉन क्या आया 27, माइनस 14 अपॉन 27 आया. कब आया, जब x की वैल्यू माइनस 2/3 है. सो आपको यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए, यहाँ पर ये हटा के मैं लिख रहा हूँ एक बार. ओके कौन कौन से दो पॉइंट मिल गए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला x अगर 2 है, फॉर x 2 y इज इक्वल टू 2, एंड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2/3 y वॉट माइनस 14 अपॉन 27. इस तरह से आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं. ओके यहाँ से होने के बाद आप यहाँ पर ये लिखने वाले, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो. कैसे किया आपने, जो इक्वेशन दिया था पैरेलल इक्वेशन उसको लिया, उसका स्लोप निकाला, तो हमारा जो टेंजेंट है वो पैरेलल, इसलिए स्लोप दोनों का सेम होगा. फिर ये जो कर्व था इसका इक्वेशन लेके उसको डिफ्रेंशिएट किया, जो डेरिवेटिव आया उसको स्लोप को इक्वल कर दिया. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो उसको सिंप्लीफाई किया या फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की दो वैल्यू आई, दोनों वैल्यू के लिए इस कर्व की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाला. ओके तो हमें दो पॉइंट इस तरह से मिल गए. स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये दिया हुआ है, एंड विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. वापस ही इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन है, इस तरह से एक कर्व है समझो. ओके एक यहाँ पर समझो कोई कर्व है, एक यहाँ पर टेंजेंट, अच्छे से बनाता हूँ, समझो इस तरह से कर्व है, एक यहाँ पर टेंजेंट है और एक यहाँ पर टेंजेंट, ऐसे सोच सकते हो. ओके कर्व जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो टेंजेंट है वो लोग एक्स एक्सिस को पैरेलल है. अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो ये जो गिवन टेंजेंट्स है कर्व को, जो टेंजेंट्स है ये लोग जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल है. ये एक्स एक्सिस है तो ये भी पैरेलल है उसको. एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो, कभी भी याद रखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो. सो ये जो टेंजेंट है इनके स्लोप भी क्या हो जाएंगे, जीरो, दोनों के स्लोप हो गए जीरो. जितने भी टेंजेंट है सबके स्लोप हो जाएंगे जीरो. कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिखते हो. ओके विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप सबसे पहले लिखोगे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इज जीरो. ओके इस तरह से लिख दिया, या एम इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है. अब आगे क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच आर पैरेलल. ओके सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है उनका स्लोप्स क्या आ जाएगा, स्लोप समझो ये m1 है तो वो m2 आ जाएगा. जो पैरेलल होते हैं ना लाइंस, पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है. अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो. अब ये जो स्लोप है वो जीरो आ चुका है. क्यों जीरो आया पता है आपको, क्योंकि ये पैरेलल है. ठीक है इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये किस कर्व के ऊपर है, देखो वो ले लो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो कर्व दिया हुआ है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डेरिवेटिव करोगे ना, डिफरेंशिएट करोगे ना, मतलब डेरिवेटिव लोगे तो जो आएगा वो स्लोप रहेगा, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो करते जाओ वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई है इसलिए अगेन डी वाई बाई डी एक्स आएगा, माइनस टू एक्स डेरिवेटिव टू माइनस फोर वाई का फोर, और वाई है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स अगेन, ओके वन का डेरिवेटिव जीरो। लेकिन अब यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स दो बार है, एक साथ ले लो कॉमन ले लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा टू वाई, ये देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर और यहाँ पर है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स टू वाई के साथ है और माइनस फोर, टू वाई माइनस फोर दोनों का डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा ये माइनस टू अकेला था उस तरफ जाके प्लस टू, टू एक्स भी उस तरफ गया राइट हैंड साइड में तो माइनस टू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स लेना है हमको, ध्यान से देखना डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, उस तरफ देखो राइट हैंड साइड में टू माइनस टू एक्स है, टू कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स आया, ओके और यहाँ क्या है टू वाई माइनस फोर ये अपॉन में आया, सो टू वाई माइनस फोर तो टू कॉमन ले लिया, देखो टू वाई माइनस फोर में से टू कॉमन ले लिया, यहीं डायरेक्ट कर दिया मैंने नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज ये टू कैंसिल हो रहा है। अब क्या हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम टू, यानी स्लोप, ये जो स्लोप था उसको इक्वल होगा, देयरफॉर ये क्या आ गया देखो वन माइनस एक्स, ये जो डेरिवेटिव है वन माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, या तो माइनस एक्स उस तरफ गया तो एक्स इज इक्वल टू वन आ गया, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई वन। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो है y x की जगह 1 रखोगे तो y आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो आप हर बार क्या करते थे, इस डेरिवेटिव को जब स्लोप को इक्वल करते हो तो आपको एक वैल्यू अगर x की आई तो इस x वैल्यू को कर्व के इक्वेशन में रखते हैं, ओके पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी जो कर्व का इक्वेशन है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, ये जो x इज इक्वल टू 1 लिया तो इसके अंदर रखो, ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, जहाँ भी एक्स है मैंने वन कर दिया, वन स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर टू वन ज़ा टू माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस टू, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू ज़ीरो, सो वाई वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई में से वाई कॉमन लो तो वाई माइनस फोर, और ये हो गया ज़ीरो, सो क्या आएगा यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू फोर, सो आपको दो वैल्यू मिल गई y की। अब ये है क्या देखो, ये आपको अगर दो पॉइंट निकालना है, देखो ये जो टेंजेंट है ये जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो ये x की वैल्यू वन है, यहाँ से समझो ये वन और ये टू है, और जो y की वैल्यू ज़ीरो है या तो फोर है, तो अब ये समझो एक ज़ीरो है और ये वन कॉमा फोर है, ये पॉइंट अगर निकालना है तो वाई वैल्यू जीरो मतलब ये जो कर्व है यहाँ पर टच कर रहा है, एक्चुअल में ऐसा कर्व है, ओके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो अभी हमें पॉइंट निकालने बोला है क्या, नहीं देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ओके विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस को पैरेलल दोनों टेंजेंट है इसका इक्वेशन निकालना है, एक्स एक्सिस को जो भी पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है वाई इज इक्वल टू के फॉर्मेट में आता है, सो यही दोनों जो है इक्वेशन से, देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो क्वेश्चन में पूछा गया था लिख दो आर वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू फोर, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू के फॉर्म में आएगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो एक्स इज इक्वल टू के फॉर्म में आता, तो ये हमारा इक्वेशन भी है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है समझो वाई इज इक्वल टू जीरो और इसका है वाई इज इक्वल टू फोर, एक्चुअल मैंने रफ फिगर बनाया था, एग्जैक्ट फिगर बनेगा तो ये यहाँ पर बनेगा ऐसे टच होके जाएगा, क्योंकि ये जो होता है एक्स एक्सिस उसका इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ पर है, ठीक है तो ये आपको आंसर मिल चुका है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, वापस एक कर्व दिया हुआ है विच आर पैरेलल टू द लाइन विच आर, फाइंड द इक्वेशंस, दो इक्वेशन होंगे, ओके अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक कर्व दिया हुआ है इस तरह से, हमेशा की तरह कंसीडर करो उसको, टेंजेंट्स हैं इस तरह से,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व, ये जो कर्व है इसको नॉर्मल्स, नॉर्मल यानी जो टेंजेंट है इसको परपेंडिकुलर, जो ये टेंजेंट्स है इसको परपेंडिकुलर, अब ये दोनों पैरेलल है या क्या है वो दिया नहीं है, तो ये जो नॉर्मल यानी क्या होगा, ये जो कर्व है इसके ऊपर जो टेंजेंट है उसको परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल बोलेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल यानी इस नॉर्मल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। जो कर्व है क्या है, 3x² - y² = 8 है, चलो इसको लेते सॉल्यूशन करते, पहले कर्व को ले लो, वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है देखो, 3x² - y² = 8, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा विथ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 3x² का क्या हो जाएगा, 6x, 2 यहाँ आया तो y² का 2y और y है इसलिए dy/dx इज इक्वल टू 8। 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, अब ये हो जाएगा -2y dy/dx इज इक्वल टू 6x उस तरफ गया तो -6x राइट हैंड साइड में, माइनस से माइनस x कैंसिल, dy/dx माइनस से माइनस कैंसिल, x नहीं, 6x/2y, सो 2 3 2 1, तो क्या आ गया आपको, dy/dx इज इक्वल टू 3x/y, तो ये आया आपका जो dy/dx दैट इज व्हाट, स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, कोई पॉइंट दिया है क्या, नहीं, सो हम यह लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज क्या है, 3x/y, ध्यान से देखना, अब टेंजेंट का स्लोप ये है, तो नॉर्मल का स्लोप तो आपको पता है ना कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम लोग लेते हैं -1/स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 3x/y, सो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3x/y ऊपर गया तो -y/3x, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब आगे देखो कंडीशन, नॉर्मल्स जो है विच आर पैरेलल टू द लाइन x+3y = 4, इस लाइन को पैरेलल है, ओके, गिवन लाइन, गिवन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, गिवन लाइन इज व्हाट, x + line is x + 3y = 4, ये एक लाइन दी हुई है, अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, गिवन लाइन इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप समझो ये m1 था, ओके, m2, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, -a/b, -1/3, -a/b होता ना, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/3, -a/b मतलब -1/3, इसको इस तरह से कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, 4 यहाँ पर आएगा तो -4 हो जाएगा, लेकिन a/b, a और b की जरूरत है स्लोप के लिए, तो ये जो दिया हुआ एक लाइन है जिस लाइन को पैरेलल है, ये जो लाइन है पैरेलल लाइन है नॉर्मल को, ये जो नॉर्मल है इसको एक पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन का स्लोप क्या है, -1/3, तो ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना होगा, सेम होगा, कभी भी दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, सो अब क्या हो जाएगा देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, दोनों का सेम होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकला था, -y/3x, और स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, जो उसको पैरेलल लाइन है इसका स्लोप -1/3, इक्विवेलेंट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y = ये x * 1x हो गया, सो y = x, ये एक कंडीशन हम लोगों को मिला, y = x, निकालना क्या था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व, देखो अभी जो कंडीशन थी उसमें हमको एक इक्वेशन मिला x = y, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन, तो यहाँ पर हमें मिल गया है y = x, यहाँ जो अब y = x आई ये कंडीशन आ गई है कि y और x दोनों सेम होंगे, लेकिन अब इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन किसका निकालना है, ये जो नॉर्मल से उसका, तो हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन में जो आपने सीखा था कि ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट पता हो और इस नॉर्मल का स्लोप पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप कर सकते हो, तो ये पॉइंट निकाल दें, पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कर्व है इसके अंदर y = x रख देते हैं, पुट y = x इन कर्व, यहाँ पर जो कर्व है 3x² - y² = 8, इसके अंदर y की जगह x रख दो, तो ये आ जाएगा 3x² - y की जगह x रखा = 8,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू यहाँ गया तो एट अपॉन टू फोर, तो एक्स क्या आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का एक्स और फोर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस टू आ जाएगा। क्यों ऐसे आया? बिकॉज प्लस टू का स्क्वायर भी फोर होता है, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस में वैल्यूज आती है। तो ये एक्स की वैल्यू आई। तो अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन भी था, एक्स इज इक्वल टू वाई, तो देयर फोर क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू वाई, इफ x इज इक्वल टू टू देन y इज इक्वल टू टू, इफ x इज इक्वल टू माइनस टू देन y इज इक्वल टू माइनस टू। यहाँ पर x अगर 2 है तो y भी 2 होगा, और अगर x माइनस टू है तो y भी माइनस टू होगा। देयर फोर पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो कर्व है उसके ऊपर हमें दो पॉइंट मिल गए। क्या मिल गए? पहला, अगर x 2 है तो y भी 2 है, एंड अगर x माइनस टू है तो y भी माइनस टू है। तो अभी तक हमने क्या किया कि ये जो कर्व है इसके ऊपर दो पॉइंट फाइंड किया, अब इसका इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि ये पूछा है ना फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये जो कर्व है उसको जो नॉर्मल है वो उसका इक्वेशन फाइंड करो। तो कैसे करेंगे? देखो अब हमें पॉइंट पता है दोनों, ये समझो 2.2 है और ये -2.2 है, -2 है, तो अब इसका स्लोप पता है ना हम लोगों को, स्लोप क्या है? देखो स्लोप ऑफ लाइन जो था और स्लोप ऑफ नॉर्मल सेम था, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पैरेलल, तो स्लोप पता है -1/3 है, और पॉइंट भी पता है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग करने वाले हैं। अब अभी क्या कर लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अभी सम्स और आगे है, तो इसके बाद वाला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्क्रीनशॉट लो तब तक। अब यहाँ पर जो दो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, और ये जो इसका स्लोप हमने लिया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3 यहाँ पर आया था, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या आ जाएगा, देखो क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। सो y, अब पॉइंट क्या है, देखो दो बार करना पड़ेगा, एक बार 2, 2 के लिए, ओके यहाँ पर लिखता हूँ फॉर 2.2, y माइनस वाई वन क्या है 2 इज इक्वल टू, स्लोप हमेशा -1/3 लो नॉर्मल का स्लोप, x माइनस एक्स वन, एक्स वन भी 2 है, तो ये हो जाएगा y माइनस टू, 3 यहाँ पर आया तो इंटू 3 इज इक्वल टू -1 अंदर गया तो, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई 3 3 इंटू 2 6, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू -2 प्लस 2, -x यहाँ आया तो प्लस एक्स प्लस 3y, 2 यहाँ पर आया -2, -6 -2 -8 इज इक्वल टू 0। सो आपको नॉर्मल का जो एक इक्वेशन मिल गया वो ये मिल गया, अब दूसरा भी मिलेगा, फॉर क्या था दूसरा पॉइंट, 2, 2 था और दूसरा -2 था, -2 -2, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से वाई माइनस वाई वन, वाई वन इज -2 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप वापस से -1/3 लेना, ओके एक्स माइनस एक्स वन है -2 इस तरह से। सो ये आ गया वाई प्लस टू, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, -1 इंटू एक्स प्लस 2, अब मल्टीप्लाई करो इसको, 3 का गया अंदर, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3y + 3 2 6, -1 अंदर है -x -2, -x यहाँ है तो +x + 3y + 6 और ये +2 + 8 हो गया। सो इस तरह से आपको नॉर्मल के लिए दो इक्वेशन मिल गए, पहला इक्वेशन क्या मिला x + 3y - 8 = 0 और दूसरा मिला x + 3y + 8 = 0। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से शुरू पहले मैंने मिटा दिया है, वो हुआ था, फिर ये उसके बाद दो पॉइंट मिलने के बाद ये किया, ठीक है। इसको एक समरी बता देता हूँ कि जो ये कर्व दिया था उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कर्व को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास एक स्लोप आएगा, स्लोप जो आया वो टेंजेंट का आएगा, कभी भी याद रखो जो कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हो dy/dx वो हमेशा टेंजेंट का होता है, यहाँ टेंजेंट की बात नहीं की है, नॉर्मल की बात की। जो टेंजेंट का स्लोप आया था उसको रेसिप्रोकल करोगे माइनस के साथ तो नॉर्मल का स्लोप आएगा, नॉर्मल का स्लोप आया, जो नॉर्मल दिया था वो पैरेलल था किसी और लाइन को, इस लाइन को, तो इस लाइन का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप सेम होगा बिकॉज दोनों पैरेलल है, तो दोनों को इक्वल किया जिससे हमें एक रिलेशन मिला y = x। ये एक रिलेशन है x और y का, ये नॉर्मल का इक्वेशन नहीं है। नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दोनों के पॉइंट पता करने पड़ेंगे, और जो ये दोनों पॉइंट आने के बाद हम लोगों को इसका स्लोप यूज़ करके हम इक्वेशन निकालेंगे।
तो हमने ये जो y इज इक्वल टू एक्स रिलेशन जो इस कर्व के इक्वेशन में रखा, जिससे हमको एक पॉइंट मिला x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, एक्स प्लस टू या तो माइनस टू, उसको ही हम यहीं पर इसी रिलेशन का यूज़ करके y की वैल्यू निकालेंगे दो, और दो पॉइंट मिल गया। दो पॉइंट मिले, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको पता था दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इस स्लोप और इस पॉइंट का यूज़ करके हमने क्या किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके नॉर्मल का इक्वेशन निकाला। ये भी अभी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसको अगर नहीं समझा होगा तो वापस देखो, बड़ा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट देखते हैं सिक्स। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, बहुत ही आसान है। इफ़ द लाइन वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव, एक लाइन है टच कर रहा है किसी कर्व को, तो चलो एक कंसेप्ट देखते हैं। कर्व है, इस कर्व पर एक लाइन जो है टच कर रही है, समझो ये, ओके ये जो लाइन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव, ओके, और ये जो कर्व है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एट द पॉइंट टू कॉमा थ्री। ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ है टू कॉमा थ्री, तो हमें ए और बी, जो इसके अंदर ए और बी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो अननोन वैल्यू ए एंड बी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली बात कि ये जो है लाइन है इसका पॉइंट दिया हुआ है, ओके, और यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्लोप आएगा। ये जो कर्व है इसको डेरिवेटिव कर लोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो यहाँ से भी हमको एक स्लोप आएगा, दोनों स्लोप को इक्वल करना आ जाएगा। कैसे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लेते दैट सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ, जो लाइन टच कर रही है मतलब टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी ये टेंजेंट दिया हुआ है, इस क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फोर एक्स वाई यहाँ है तो माइनस वाई, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब किसी भी लाइन का स्लोप हम डायरेक्ट ले सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, माइनस ए अपॉन बी करते हैं ना, जैसे माइनस ए अपॉन बी क्या आ गया, यहाँ से माइनस ए मतलब माइनस फोर अपॉन बी, बी क्या है माइनस वन, माइनस फोर अपॉन माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल क्या आ गया फोर, जो टेंजेंट है उसका स्लोप आ गया। ध्यान से देखो, टेंजेंट का स्लोप आ गया एम इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ से आया था, अब जो कर्व है वो ले लो, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी स्लोप आएगा टेंजेंट का, एक तो टेंजेंट का यहाँ इक्वेशन से हमने स्लोप निकाला, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी टेंजेंट का स्लोप आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई है, ए एक्स क्यूब थ्री आ गया है तो थ्री ए एक्स स्क्वायर, और बी, बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो कैसे आ गया, थ्री ए एक्स स्क्वायर अपॉन ये टू वाई यहाँ पर आ गया, तो आपको ये डेरिवेटिव मिल गया, स्लोप मिल गया टेंजेंट का, लेकिन जनरल फॉर्म में मिला, किसी भी पॉइंट पर स्लोप इससे आएगा, लेकिन एक पॉइंट तो हमको दिया है ना 2.3, तो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट एट 2.3 क्या आ जाएगा, ये स्लोप 3a एक्स स्क्वायर 3a, ये जो x था x की जगह पर आप रख दो 2, ओके अपॉन 2y, 2 इंटू वाई, वाई क्या है 3, सो ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12 है, 3 2 जा 6, 6 से 12 कैंसिल तो 2, तो आंसर क्या आया 2। अब ये जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्लोप, सो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल गया 2a। अब देखो ये जो टेंजेंट था इसका इक्वेशन से हमने स्लोप लाया था 4, इस कर्व को डिफरेंशिएट किया और इस पॉइंट पर स्लोप निकाला डिफरेंशिएट करके तो भी स्लोप मिला 2a। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2a, इसको नंबर 1 रखो इसको 2 रखो, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ओके सो 4 इज इक्वल टू 2a, 2a इज इक्वल टू 4, सो a क्या आ गया 4, ये 2 इंटू यहाँ आ गया तो डिवाइड बाई 2, सो a मिल गया 2, आपको a की वैल्यू मिल गई 2। क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन फाइंड करना है क्या, देखो नहीं, फाइंड a एंड b, a मिल गया, b कैसे निकालेंगे, तो चलो ये जो कर्व था ना इसमें, ओके पुट a इज इक्वल टू 2 इन कर्व, कर्व क्या है देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एट पॉइंट, पॉइंट भी दिया है 2.3, ये पॉइंट है, ये x और y रखना और a की जगह 2 रखना है, चलो देखो y, y की जगह पर क्या रखना 3, सो ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a, a मतलब 2 है, देन x क्यूब, x, x इज व्हाट 2,
सो 2q प्लस बी, बी वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, 3 स्क्वायर 9, 2 क्यूब 8, 2 16 प्लस बी, सो 9, 16 इस तरफ आया तो -16 इज इक्वल टू बी, सो बी क्या आ गया, 9 - 16 - 7, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। कैसे किया हमने, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखो, ये एक लाइन था जो टच कर रहा था कर्व को, मतलब वो टेंजेंट है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, इसका डायरेक्ट स्लोप निकाला -a/b फॉर्म से, ओके। फिर ये जो कर्व था उस कर्व को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव लिया, ये जो डेरिवेटिव आया जनरल फॉर्म में उसको इस पॉइंट 2.3 यानी x की जगह 2 और y की जगह पर 3 रखकर निकाला, तो ये स्लोप आया 2 है, तो ये दोनों स्लोप तो इसी टेंजेंट का है, तो दोनों को इक्वेट किया, 4 = 2a, इसको इक्वेट करने के बाद आपको a की वैल्यू मिली 2, a की वैल्यू इस कर्व में रखोगे और x और y की वैल्यू 2, 3 रखोगे तो आपको b मिल जाएगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो 6 का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत आसान बट लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड। क्या दिया है देखो, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व 6y = x + 2, यानी कर्व दिया हुआ है इस तरह से, ये जो कर्व दिया हुआ है क्या दिया है, 6y = x² + 2, ये मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो कर्व दिया हुआ है 6y = x² + 2 दिया हुआ है, ठीक है, और एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव होता है, यहाँ से लेके समझो मूव हो रहा है यहाँ तक इस तरह से। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, एक पॉइंट फाइंड करो जिस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ये जो x और y कोऑर्डिनेट है उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जो y है क्या दिया है, पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx दिया हुआ है, y जो है x के रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, 8 times, यानी डायरेक्ट 8 दिया हुआ है। ऐसे समझो कि अगर y है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, y जो है 8x times है, अगर x है तो उसका 8 times y है, अगर डेरिवेटिव लोगे dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, 8x का डेरिवेटिव 8, तो ये ऐसे आया, बट ये डायरेक्ट रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 8, ओके। सो ये दिया हुआ है, इसको आप कंसिडर कर लो, यूज़ करेंगे हम इसको अभी dy/dx को। पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व 6y = x² + 2 दिया हुआ है, सो पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व, क्या कर्व दिया है देखो 6y = x² + 2, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6y का डेरिवेटिव dy/dx, x² डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर dy/dx आपको क्या मिला, 2x/, ये 6 × है यहाँ है तो डिवाइड, 2 1 = 2, 2 3 = 6, सो dy/dx मिल गया, 1 × x, x है, x/3 मिल गया। अब देखो आपके पास दो दो डेरिवेटिव आ गए dy/dx यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिया हुआ है, सो क्या होगा देखो, यहाँ से 1 ले लो इसको, 2 ले लो इसको, From 1 and 2, dy/dx is 8, dy/dx is x/3, so x/3 = 8, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 8 = 24, आपको x की वैल्यू 24 मिल गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ पर रख दो, ओके, कहाँ पर, इस इक्वेशन में, सो समझो इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, या तो समझो फ्रॉम द कर्व इक्वेशन, ऐसे डायरेक्ट लिखो फ्रॉम द कर्व इक्वेशन, क्या दिया देखो 6y = x² + 2, x की जगह 24 है, 24² + 2, सो 6y = 24 क्या होता है, 576 + 2, 578, अच्छा ये y 6 यहाँ है तो डिवाइड बाई 6, y = 6 से कैंसिल होता है क्या, देखो 6 2 3 = 6 और 2 2 = 4 और 2 8 = 16, 2 9 =, तो 289/3 यहाँ पर वाई आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा ये राइट है या रॉन्ग है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो आंसर आ रहा है ये एच पर गिवन क्वेश्चन आ रहा है, जो पॉइंट क्या मिला हमको निकालना क्या था, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो हम इन दोनों को मिला के देखेंगे तो एक्स आया 24
और ये 289/3। तो आप बोलोगे ये पीछे मैंने अभी चेक किया टेक्स्ट बुक में ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों नहीं मैच हो रहा है, पीछे से आंसर ये। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है पहले वो देख लो। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया, 6y = x² दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक जो PDF आई है। तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब होना चाहिए, अगर ये एक्स क्यूब होता है, ठीक है, क्या होता है एक्स क्यूब, एक मिनट, अगर ये एक्स क्यूब होता है, ये जो स्क्वायर था अगर वहाँ क्यूब होता है तो आपका आंसर मैच होगा। लास्ट ईयर जो मैंने ये सॉल्व कराया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था और यहाँ पर 6y = x³ + 2 और बाकी सब कुछ सेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैंने बताया जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा करके, तो जो आंसर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर 6y = x² + 2 आया तो ऐसे ही करना और यही आंसर है, ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको हम वापस करते हैं करेक्शन के साथ, अगर एक्स क्यूब है तो क्या करना, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से हम लोग कर रहे हैं। देखो ये 6y = x³ + 2 यहाँ स्क्वायर था प्रिंटिंग में, मैंने उसको करेक्शन किया क्यूब, अभी जो क्वेश्चन है 6y = x³ हो जाएगा। ये तो पहले जो मैंने समझाया था वही रहेगा सब कुछ, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा चेंज आएगा। 6y का डेरिवेटिव dy/dx = x³, एक्स क्यूब क्या करोगे 3x², ओके, और 2 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ पर 6, ये जो dy/dx है देखो 8 आया हुआ है, यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट 8 रख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ से आया फ्रॉम 1, और ये 3x², ओके। अब 6 × 8, ये 3 × को यहाँ पर लाओ, डिवाइड हो गया x², 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16, सो x² मिल गया 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, x² का स्क्वायर रूट x और 16 का 4, बट प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें दो दो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम ये जो इक्वेशन था यहाँ पर x³ है, ओके। 6y = वी हैव, ऐसे लिख सकते हो आप, y 6y = x³ + 2, ओके। नाउ फॉर x = +4, +4 यहाँ पर रखो, तो 6y = x की जगह +4 रखा तो क्या आ जाएगा, 4³, 4³ क्या होता है 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64 +2 6y, सो y = 66/6, तो ये 11 आया, y = 11। तो y की वैल्यू 11 आई कब, जब x की वैल्यू 4 हो। वापस करते हैं -4 के लिए, फॉर x = -4, अब देखो यही इक्वेशन लेना, 6y = अब x की जगह पर क्या रख रहा हूँ, -4³ + 2, ओके। सॉल्व करते हैं, 6y - 4 - 64 आ जाएगा और +2, सो = ये क्या हो गया -62 हो गया, और ये y 6 यहाँ पर आया तो /6, सो y = -2, 3 और 31, तो ये -31/3 आया यहाँ पर। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 11, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -31/3। अब निकालना क्या था, देखो अ पार्टिकल मूव्स, ये सब दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन दी कर्व, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन दी कर्व आर, क्या क्या पॉइंट है आपके, x 4 है तो y 11, 4 है तो 11, एंड दूसरा x अगर -4 है तो -31/3, दो दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से ये सोल्यूशन है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बताया प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ x² दिया तो x³ होना चाहिए, मैंने दोनों तरीके से बताया आंसर कैसे आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया, जो 2.1 है सब वर्डिंग वाले क्वेश्चन है, बाकी 16 तक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक पूरा दे दूँ। अभी जो अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू है, टोटल 4 एक्सरसाइज है, पहला फिनिश होना है, सेकंड थर्ड जो है थोड़े इजी है और इससे इतने लेंथी नहीं है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। चैनल पर अगर आप हो, वीडियोस देख रहे हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और दूसरा कि सब्सक्राइब का जो बटन है बहुत से लोगों ने नहीं क्लिक किया है, फ्री है, वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाओ, मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियोस से आपको जरा भी अगर ऐसा लगता है फ़ायदा हो रहा है, आप सीख रहे हो लॉकडाउन में ऐसा कंटेंट, नया सिलेबस आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि हमारी जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।